हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ जीरोधा का चार्जेस के बारे में। जीरोधा क्या चार्जेस लेता है रिगार्डिंग इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, जो भी चार्जेस है मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा जीरोधा क्या क्या चार्जेस लेता है अपने कस्टमर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ जीरोधा चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ₹0 प्री इक्विटी डिलीवरी, ऑल इक्विटी डिलीवरी इन्वेस्टमेंट NSE BSE आर एब्सोल्युटली फ्री, जीरो ब्रोकरेज। यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लिया जाता है बाय जीरोधा, ठीक है। तो ये जो इक्विटी डिलीवरी है ये फ्री होता है, ठीक है। और इंटरडे एंड फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप लोग करते हो तो यहाँ पे फ्लैट ₹20 देना पड़ेगा या फिर 0.03%, विच एवर इज लोअर। आप जितना पैसा डाले होंगे, जो भी लोअर अमाउंट है वो चार्ज किया जाएगा, ठीक है, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर ऑन इंट्राडे ट्रेड अक्रॉस इक्विटी करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ₹20 या फिर 0.03% ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट आपसे काटा जाएगा, लेकिन जो लोअर होगा वही काटा जाएगा, ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में कोई भी चार्जेस नहीं है, जीरो कमीशन एंड जीरो DP चार्जेस, ठीक है। डिपॉजिटरी चार्जेस जो होता है यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है म्यूचुअल फंड में, लेकिन जो रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड हाउसेस होता है उनका जो चार्जेस रहता है वो कटेगा, चाहे 1% हो या फिर 2% हो, जो भी चार्जेस है वो कटता है अगर आपका पैसा जो है समय से पहले निकाल देते हो, ठीक है, तो वो चार्जेस लगेगा। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है बाय जीरोधा कॉइन ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जान गए होंगे इक्विटी डिलीवरी फ्री होता है, इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ₹20 लगेगा या फिर 0.03%, जो लोअर होगा वही चार्ज लगेगा। ऑल डायरेक्ट और म्यूचुअल फंड फ्री है, तो ये बात ध्यान रखना है आप लोग। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को इक्विटी चार्जेस के बारे में, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जीरोधा चार्जेस, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, इक्विटी फीचर्स, इक्विटी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ब्रोकरेज, तो इक्विटी डिलीवरी में कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगता है। इक्विटी इंट्राडे में जैसे कि मैं पहले से बता दिया हूँ 0.03% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, विच एवर इज लोअर, ठीक है, यहाँ पे कटेगा इंट्राडे में। और इक्विटी फ्यूचर्स में 0.03% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, विच एवर इज लोअर, सेम कटता है इंट्राडे में और फ्यूचर में। और इक्विटी ऑप्शन में फ्लैट ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, तो यहाँ पे इक्विटी ऑप्शन में ₹20 कट जाएगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। STT और CTT चार्जेस, STT होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और CTT होता है करेंसी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी चार्जेस जो है 0.1% ऑन बाय एंड सेल यहाँ पे लगेगा इन इक्विटी डिलीवरी। इक्विटी इंट्राडे में 0.025% ऑन द सेल साइड, इक्विटी फीचर में 0.01% ऑन द सेल साइड, इक्विटी ऑप्शन में 0.05% ऑन सेल साइड ऑन प्रीमियम, ठीक है। और ट्रांजेक्शन चार्जेस और GST यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इक्विटी डिलीवरी में NSE आप लोग देख सकते हो 0.00345% लगता है और BSE में भी सेम लग रहा है, और उसी तरह इक्विटी इंट्राडे में भी सेम है। इक्विटी फीचर में NSE जो है 0.002% यहाँ पे लगेगा और NSE जो है इक्विटी ऑप्शन में 0.053% ऑन प्रीमियम लगेगा। और GST यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इक्विटी डिलीवरी चार्जेस में 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस लगेगा, और इक्विटी इंट्राडे में भी सेम लगेगा 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। इक्विटी फीचर्स में भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। इक्विटी ऑप्शन में भी आप लोग देख सकते हो सेम है, टोटल GST जो है वो सेम लग रहा है डिलीवरी इंट्राडे फीचर और ऑप्शन के लिए, ठीक है। और सेबी चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी सेम है फॉर डिलीवरी इंट्राडे फीचर्स एंड ऑप्शन के लिए, ₹10 per crore, ठीक है। तो ₹10 चार्ज लगेगा 1 crore के लिए, ठीक है, जो कि सेबी चार्ज करता है। और स्टाम्प चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इक्विटी डिलीवरी का 0.015% और 1500 per crore ऑन बाय साइड। तो अगर आप लोग खरीदते हो कोई भी स्टॉक को तो 0.015% या ₹1500 लगेगा पर करोड़ के हिसाब से, ये बात ध्यान रखना है आप लोग को। और इक्विटी इंट्राडे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.03% और 300 per crore ऑन बाय साइड। और इक्विटी फीचर्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.002% और ₹200 per crore ऑन बाय साइड, ये बात ध्यान रखना है इक्विटी फीचर्स में। और इक्विटी ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.003% और 300 per crore ऑन बाय साइड। और इक्विटी ऑप्शन और इंट्राडे जो है
यहाँ पे सेम है। अभी मैं बताने जा रहा हूँ करेंसी चार्जेस के बारे में, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जीरोधा चार्जेस, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शन, ब्रोकरेज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करेंसी फ्यूचर में 0.03% और ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर है यहाँ पे वही चार्जेस होगा। और उसी तरह करेंसी ऑप्शन में भी सेम चार्जेस है। और STT और CTT चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नो STT चार्जेस इन फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, NSE में एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है 0.0009% है, और BSE जो है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है 0.00022%, और ये जो है एप्लीकेबल है इन करेंसी फ्यूचर। और करेंसी ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.035%, BSE में एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है 0.001%, ठीक है। और GST में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, और सेम है इन केस ऑफ ऑप्शन 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। और सेबी चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ₹10 per crore इन करेंसी फ्यूचर, और करेंसी ऑप्शन में ₹10 per crore, ठीक है। स्टाम्प चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.0001% और ₹10 per crore ऑन बाय साइड इन केस ऑफ करेंसी फ्यूचर, और करेंसी ऑप्शन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.0001% और ₹10 per crore ऑन बाय साइड। तो ये सब चार्जेस लग जाता है इन करेंसी फीचर्स और करेंसी ऑप्शन में, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कॉमोडिटी चार्जेस के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जीरोधा चार्जेस, कॉमोडिटी फ्यूचर्स, कॉमोडिटी ऑप्शन, ब्रोकरेज जो है 0.03% और ₹20 per एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, विच एवर इज लोअर इन केस ऑफ फीचर, और सेम है इन केस ऑफ ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है। STT और CTT चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.01% ऑन सेल साइड फॉर नॉन एग्री इन केस ऑफ कॉमोडिटी फीचर, और इन केस ऑफ कॉमोडिटी ऑप्शन 0.05% ऑन सेल साइड। और ट्रांजेक्शन चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ग्रुप ए का एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.0026% है, ग्रुप बी का एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज जो है कैस्टर सीड 0.00055%, कपास के लिए 0.00226%, पेपर के लिए 0.00005%, और RBD पॉमलन 0.001%, ठीक है। ये चार्जेस है कॉमोडिटी फीचर में। और कॉमोडिटी ऑप्शन में एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो है कुछ भी नहीं है, और GST यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है कॉमोडिटी फीचर के लिए, और कॉमोडिटी ऑप्शन जो है 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजेक्शन लगता है, ठीक है। और सेबी चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन केस ऑफ कॉमोडिटी फीचर, एग्री के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ₹1 per crore और नॉन एग्री के लिए ₹10 per crore, ठीक है। और इन केस ऑफ कॉमोडिटी ऑप्शन ₹10 per crore, और स्टाम्प चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 0.002% और ₹200 per crore ऑन बाय साइड इन केस ऑफ कॉमोडिटी फीचर, और कॉमोडिटी ऑप्शन के लिए 0.003% और ₹300 per crore ऑन बाय साइड इन केस ऑफ कॉमोडिटी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सब चार्जेस आप लोग को देखने को मिल जाता है इन कॉमोडिटी पार्ट ऑफ जीरोधा। अभी मैं बताने जा रहा हूँ अदर्स चार्जेस जीरोधा क्या लेता है। फर्स्ट चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेबी चार्ज, ₹10 विल बी चार्ज पर क्रोर बाय सेबी फॉर रेगुलेटिंग द मार्केट। तो यहाँ पे ₹10 लगता है पर क्रोर बाय सेबी फॉर रेगुलेटिंग द मार्केट। और डिपॉजिटरी चार्जेस DP चार्जेस जिसको बोला जाता है, यहाँ पे जो चार्ज लगता है ₹13.5 प्लस GST इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप लोग जितना भी सेल करते हो, चाहे वो एक सेल करो या फिर आप लोग 10 सेल करो या फिर 20 सेल करो, यहाँ पे आप लोग को ₹13.5 देना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, प्लस GST इंक्लूडेड है। और प्लेजिंग चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ₹30 प्लस GST पर प्लेजिंग रिक्वेस्ट, मतलब एक रिक्वेस्ट के लिए आप लोग को 30 प्लस GST देना होगा। और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि AMC चार्जेस बोला जाता है, ₹300 per year चार्ज लगेगा, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे चार्ज होता है, यानी कि 4 quarter में आप लोग को ₹75 देना होगा, ये बात ध्यान रखना है। और ऑफ मार्केट ट्रांसफर चार्जेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ₹25 और 0.03% ऑफ ट्रांसफर वैल्यू विच एवर इज हायर। तो ये सब चार्जेस लग जाता है अगर ऑफ मार्केट ट्रांसफर अगर आप लोग करते हो तो, ठीक है। पेमेंट गेटवे चार्जेस ₹9 प्लस GST, अगर आप लोग UPI से करते हो तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, अगर UPI के अलावा दूसरा कोई मेथड से करते हो तो यहाँ पे आप लोग को ₹9 प्लस GST लगता है, ठीक है। तो ये था जीरोधा का चार्जेस, मैंने आप लोग को फुल डिटेल में बता दिया हूँ रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड, इक्विटीज, करेंसी, कॉमोडिटी, ठीक है। और अभी आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा क्योंकि मैंने आप लोग को फुल डिटेल में बता दिया हूँ, और अभी आप लोग जान पाओगे कहाँ पे चार्जेस कटता है, क्या क्या चार्जेस कट रहा है अकाउंट से, लाइक मेंटेनेंस चार्ज रहता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो बाई और सेल चार्जेस, उसमें भी कटता है कुछ परसेंट, फिर स्टैम्प ड्यूटी के लिए कटता है, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा पूरा फुल डिटेल मेरा वीडियो को। तो ये सब डिटेल आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा,
आप लोग पूरा देख लीजिएगा अच्छी तरह से, और आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे जब आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो या फिर बाइक कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।